कांग्रेस लगातार चुनाव में हुई धांधली को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करता रहा है, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। अब कांग्रेस के इंटरनल यूथ कांग्रेस में लगातार जो गुरचरण सिंह राजू ने सवाल उठाए हैं, इंटरनल ही इनके मतभेद हुए हैं, उसको लेकर कृष्णा नगर के जिलाध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू ने इस्तीफा दिया। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ मामला था जिसको लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया। सर, मैम, जो चुनाव हुआ यूथ कांग्रेस का, उसका एक तो रिजल्ट आया 2 महीने बाद में, और उसमें जो चुनाव हुआ उसके अंदर मेरे बेटे को वोट पड़े 139,139, तो उसमें से 49 वोट उन्होंने कहा भाई ये वैलिड हैं और 90,000 वोट इनवैलिड हैं। तो उसके ऊपर हमने कहा, इस पर बड़ा हमें अफसोस हुआ कि 90,000 वोट तो कैंसिल नहीं होने चाहिए, और इतने ऊपर किसके मतलब तक से लगता है कि कोई मैनिपुलेशन किसी ने करी है। अब वो किसने मैनिपुलेशन करी है उसके बारे में हम बात करना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि IYC के जो हमारे लोग हैं, IYC के जो हमारे साथी हैं, उनको इस बारे में देखना चाहिए। और चुनाव अगर हमने कराने हैं तो निष्पक्षता से चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव हो। तो हम ये चाहते हैं कि इसलिए हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, हमने आवाज़ उठाई थी कि भाई जो निष्पक्ष चुनाव है उसकी मांग होनी चाहिए। इसलिए मैंने 5 स्तरीय कमेटी बनाने की मांग की थी कि 5 स्तरीय कमेटी बने और उसकी जाँच करे। हमने, मेरे बेटे ने, हरप्रीत ने जो चुनाव लड़ा था, उसने सारे लोगों को अपना मेल कर रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं कि भाई जो ये प्रक्रिया हुई है इसके ऊपर दोबारा से रिकाउंटिंग की मांग करते हैं हम। और जो हमारे लीडर मेरे साथ कल बैठे, सुभाष चोपड़ा जी, देवेंद्र यादव जी, हमारे जो ऑब्जर्वर हैं दानिश जी, उनका फ़ोन भी आया, अपने जो दूसरे हमारे डैनी साहब हैं उनका भी बात हुई। तो मैं समझता हूँ सब हमारे लीडरों ने बात चर्चा करी है। तो मैंने उस बात को फिर मैंने कहा हम, क्योंकि हम पार्टी के इतने सारे पुराने सिपाही हैं, पुरानी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पुरानी पार्टी के साथ इतना नाता है, तो उस चीज़ को तो नहीं तोड़ा जा सकता। तो मैंने उस दिन यही कहा था कि मैंने पार्टी पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया है, अपने पद से मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, क्योंकि जो पद पर रहकर मेरे नाइंसाफ़ी लग रही थी। तो उन्होंने सबने मुझे बात समझाई और बात करी हमने, तो चलो भाई हम बड़े लीडरों ने जब कहा है तो उस बात को हमें मानना चाहिए, क्योंकि जो बड़े लीडरों का मान सम्मान होता है, जो उन्होंने चीज़ें कही हमको उसको हम समझेंगे। और जो मेरे साथ बेइंसाफ़ी या बेटे साथ हुई है तो उसको उन्होंने कहा है कि हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और इसको हम जो आपने मांग की है हम इसको IYC में रखेंगे और इसको हम ठीक करके लाने का प्रयास करेंगे। जहाँ गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं, उनको ठीक करवाएंगे और ठीक करेंगे। जो भी सही बात होगी उसको सबसे सामने लेकर आएंगे। क्या आप बैलेट पेपर में हुई शिकायत को लेकर आपको, आपके अंदर रोष उत्पन्न हुआ था? नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ ना, मैं चुनाव हुआ ऑनलाइन। ऑनलाइन क्या चाहते हैं कि बैलेट पेपर से? नहीं, अगले चुनाव हो तो मैं तो पहली बात तो मैं मांग रखता हूँ कि चुनाव यूथ कांग्रेस का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नया बच्चा आए हमारे साथ जुड़े, हम उसको जोड़ें, क्योंकि आज यूथ की हमें ज़रूरत है। यूथ हमारे साथ जुड़ेगा ही नहीं तो हम कैसे चलेंगे आगे। क्योंकि जब चुनाव होता है तो आधे लोग तो वही टूट जाते हैं जो हार जाते हैं कि हमें क्या जरूरत नहीं है पार्टी में जाने, क्योंकि माँ बाप छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। क्योंकि जब इतना पैसा चुनाव में लग जाता है, 50 रुपये की वोट की कीमत होती है, और जो लोग बच्चे पैसे खर्च करते हैं, तो उसमें समझता हूँ उसमें दिक्कत आने का रहता है। तो इसमें उन बच्चे जब टूट जाते हैं तो हमें फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये चुनाव ना हो, और चुनाव हो तो बैलेट पेपर से हो और पारदर्शी हो। पारदर्शी चुनाव होना चाहिए, कहीं पर भी हो, केंद्र में हो, MLA हो, काउंसलर का चुनाव हो, या हमारे पार्टी का अंदरूनी चुनाव हो। पारदर्शी जब तक नहीं होगा तब तक नहीं मामला बन पाएगा। क्योंकि जब हमारा अध्यक्ष का चुनाव होता है, सोनिया जी का, या उसका चुनाव होता है जो अध्यक्ष लड़ते हैं हमारे पार्टी के, उनका चुनाव भी बैलेट पेपर पर किया जाता है। तो ये प्रक्रिया जो यूथ कांग्रेस में चल रही है, तो वो एक राहुल जी ने एक उसको सिस्टम को अच्छा बनाने की कोशिश में किया, लेकिन उसको जो गलत किया है मामले को, 90,000 वोट काट देना बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। जो दूसरे लोग, दूसरे जो पार्टी लड़ रही थी उसके 25% वोट कटे, हमारे 65% वोट कटे। तो इन चीज़ों को समझने की जरूरत होती है, मैं समझता हूँ ये चीज़ें देखने की जरूरत थी। तो इसलिए हमने इसकी आवाज़ उठाई है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लीडर ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे। देवेंद्र, पूछना चाहूँगी कि पार्टी मीटिंग में लीडर्स के साथ मिलने के बाद आपके जो मतभेद थे वो खत्म हो चुके हैं और आप अपने पद पर वापस? नहीं, मुझे उन्होंने कहा कि आप अपने पद पर रहोगे और आपने ही काम करना है। तो जब मेरी जिम्मेदारी जब मुझे सौंप रहे हैं और मेरे बड़े लीडर हैं, जब मुझे जो चीज़ दे रहे हैं दी हुई है और मैं उसको निभा रहा हूँ, तो मैं ऐसे बीच में छोड़ के भागने वाले में से नहीं कि मैं बीच में छोड़ के भाग गया या उस तरह करूँ, तो मैं उस तरह नहीं चाहता। क्योंकि जब जो मुझे उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई हम आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है या जो गलत चीज़ दिखी आपको, तो वो IYC ने ठीक करनी है, हम IYC से बात करके उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। ये उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और उस आश्वासन को मैंने माना है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो बड़े लीडर हैं वो मेरे साथ में इंसाफी करेंगे और अच्छा काम होगा उसमें। हम उसमें पार्टी में काम कर रहे हैं और पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। तो आपने सुना जिलाध्यक्ष कांग्रेस के गुरचरण सिंह राजू।